दोस्तों आप लोग में से बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे ये पूछते हैं कि उनका जो व्हील है वो फ्रीली रोटेट नहीं कर पा रहा है, ब्रेक शू है वो इस डिस्क से टच कर रहा है, इंगेज्ड है, सेमी इंगेज्ड कंडीशन में है और उनका व्हील फ्रीली रोटेट नहीं कर पा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके पीछे दो वजह हो सकता है, या तो आपका ब्रेक फ्लूइड बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, 1.5 ईयर 2 ईयर, और आपने उसे चेंज नहीं किया है, और इससे भी एक प्रॉब्लम आता है इस तरह का इंगेजमेंट का। और दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग कर लिया है, आपने कहीं पैनिक ब्रेकिंग किया है, सामने कोई सडनली आ गया है और आपने ब्रेक लीवर को बहुत ज़्यादा जोर से दबा दिया है। उससे होता क्या है कि आपके इस ब्रेक सिस्टम में मास्टर सिलेंडर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लूइड आ जाता है, ब्रेक फ्लूइड, और इसके कारण यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिसके कारण आपका जो ब्रेक शू है वो सेमी इंगेज्ड कंडीशन में रह जाता है, कम्प्लीटली रिट्रैक्ट नहीं हो पाता है। तो इस एक्सेस प्रेशर को आप कैसे बाहर निकालेंगे, और जैसे ही आप बाहर निकालेंगे वो सही हो जाएगा। तो आइए इसे हम लोग सही करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक पाइप अटैच कर देंगे छोटा सा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि सिस्टम के अंदर एयर बबल्स नहीं जाएगा, प्लस आपका जो फ्लूइड निकलेगा वो आपके मोटरसाइकिल पे नहीं गिरेगा और कोई भी पेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग इस ब्लेडर नट को लूज़ करेंगे। ये देखिए, जैसे ही आप लूज़ कीजिएगा जो एक्स्ट्रा प्रेशर का जो फ्लूइड रहेगा वो देखिए बाहर आने लगेगा इस तरह से। उसके बाद थोड़ा सा आप क्या कीजिए, इसको जो आपका कैलिपर है इससे इस तरह से थोड़ा प्रेस कर दीजिए। उसके बाद इसे आप टाइट कर दीजिए अपने जगह पे। और इसको आप निकाल लीजिए सेफली। ब्रेक फ्लूइड आपके पेंट पे नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो ये पेंट को स्पॉइल कर देता है। ये देखिए, ये था एक्स्ट्रा फ्लूइड जो कि आपके ब्रेक पैड को इंगेज किया हुआ था, और जैसे ही आप निकालेंगे आपका ये जो व्हील है वो फ्री हो जाएगा, फ्रीली रोटेट करेगा। बस यही प्रोसेस को आपको करना है, और ये जो इंगेजमेंट का जो प्रॉब्लम रहता है, ब्रेक पैड इंगेज रहता है, ये प्रॉब्लम आपका विद इन सेकेंड्स क्लियर हो जाएगा, आपका व्हील कम्प्लीटली फ्री हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी आपके मोटरसाइकिल में इस तरह का प्रॉब्लम आएगा आप इसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में वो जो बेल आइकॉन है उसे भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले।